काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। 5 साल से जासूसी के शक में पाकिस्तान की जेल में बंद राजू की वतन वापसी हो गई है। राजू खंडवा जिले के इंधावड़ी का रहने वाला है और वहां से अचानक गायब हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों को बाद में लगी कि वह पाकिस्तान पहुंच गया है और वहां की जेल में बंद है। डेरा गाजी खान की जेल में उसका होना बताया गया था। इस बारे में उसके माता पिता लगातार पुलिस और प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उसे भारत वापस लौटाया जाए। उसके पिता लक्ष्मण और माँ वसंता के अनुसार वह मानसिक रूप से बीमार था। पहले भी घर से चला जाता था लेकिन जल्द वापस आ जाता था, लेकिन इस बार वह लंबे समय तक घर वापस नहीं लौटा। फिर उन्हें बाद में पता चला कि वह पाकिस्तान की जेल में बंद हो गया है। उसे लाने के विभिन्न प्रयास किए गए। प्रशासन और शासन से कई बार इस बारे में उसके परिजनों ने मन्नतें भी मांगी। कितनी खुशी हो रही है आपको आज आप लेने जा रहे हैं? वो तो राजू बहुत दिन भटकाया, राजू ने 5 साल से भटक रहे थे, पर अब राजू मिल गया है तो हमको बहुत खुशी हो रही है। आप उनको लेने जा रहे हैं, आपके मन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अब लेने जा रहे हैं, पर अब जो सरकार सहायता करे वो सही। हम तो अभी परेशान हैं क्योंकि 5 साल से भर रहे हैं साहब, कर्जे में दब गए हम तो। अब जो सरकार इतना करा है तो इतना भी करके हमारे घर तक पहुँचा दे, बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। हर प्रयास कर लिए हमने, जहाँ भी किसी ने बोला वहाँ पर हमने फाइलें दी है, पर हमको पता कुछ नहीं मिला और अचानक राजू की छुट्टी हो गई। सरकार के प्रयासों से जो है वो वापस लौट रहे थे। हाँ, क्या धन्यवाद देंगे सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि सरकार ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, कि हमारी बहुत बड़ी अमानत हमको लौटा दी है साहब। पिछली बार आपने मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से दोनों से मांग करी थी, फरियाद करी थी। हाँ, क्या आप उनको कहेंगे? अब हमने तो मांग करी थी साहब कि हम तो अब क्या दे सकते हैं सरकार को, हम तो धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है हमको भी। सर, खंडवा से एक युवक गायब हुआ था 5 वर्षों पहले, तो सर उसको अभी भारत को सौंपा है पाकिस्तान ने, किस तरह का मामला है सर? ये करीब 4-5 वर्ष पहले राजू पिता लक्ष्मण, गांव इंदावड़ी, थाना नर्मदा नगर का, ये अपने घर से गुमशुदा हो गया था, जिसकी रिपोर्ट वगैरह भी लिखी गई थी। जो पता चला था उस समय वो था कि मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं है और संभवतः इसकी वजह से कहीं चला गया। फिर कुछ समय बाद जानकारी आई कि वो पाकिस्तान के जेल में बंद है। उसके बाद फिर पाकिस्तान सरकार ने इसमें भारत सरकार से इसकी जानकारी मांगी थी, और जिसके तारतम्य में फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम से फिर यहाँ पे स्टेट सरकार को आई थी, प्रदेश सरकार को जानकारी मांगी थी, और फिर हमने जानकारी उसमें प्रोवाइड की थी। और उसके उपरांत फिर जो भी प्रक्रिया हुई थी उसके उपरांत पाकिस्तान सरकार ने इसको भारत सरकार को सौंपा है, जो कि फिर अमृतसर के रेड क्रॉस से हमको जानकारी है कि वहाँ पे वो उसको रखा गया है, और जिसको हमने परसों टीम रवाना कर दिया था, उस टीम को ये अमृतसर में हैंड ओवर कर दिया गया, और जल्दी वो टीम उसको यहाँ पे लाएगी और उसके परिजनों से उसको मिलाएंगे। सर, ये कब से मिसिंग हुआ था अपने यहाँ पर, कब इसका मामला पता चला था कि ये गायब है? ये 4-5 साल पहले हुआ था मिसिंग, और इसका ये पता 3 साल पहले करीब पड़ा है कि ये वहाँ पाकिस्तान की जेल में बंद है। उसके पहले इसकी जानकारी नहीं लग पा रही थी कि कहाँ चला गया था, लेकिन 3 साल पहले करीब पता चला था कि पाकिस्तान की जेल में बंद है। सर, संभवतः अपने परिवार से कब मिल पाएगा राजू वापस? ये कल या परसों तक हमारी टीम जब भी आ जाएगी, तो ये कल या परसों संभवतः है कि अपने परिवार से मिल पाएगा। पता युवक सर वतन कब तक लौट रहा है यहाँ पे सर, अपने मातृवतन से? खंडवा वो हमारे लोग उसको 1-2 दिन पहले हमारी टीम एक रवाना हो गई थी, उसके साथ में राजू का भाई भी गया था, तो आज रात तक वो लोग उसको लेकर यहाँ पर आ जाएंगे खंडवा में। सर, क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन है टीम में, कैसा क्या मतलब? उसमें एक ASI है, एक हमारे अकाउंटेंट हैं, और एक राजू का भाई है, और एक पैरामेडिकल स्टाफ गया था। इस तरीके से कुल 3 सरकारी लोग, एक उसका भाई, 4 लोग गए थे, और वो उसको लेकर आज रात तक खंडवा आ जाएंगे।